हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा स्पेशल हाय छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आज का ये वीडियो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है। आप सभी का मेरे इस चैनल ABCDE Anybody Can Draw Easily with निष्ठा शर्मा पे स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग कार्टून कैरेक्टर बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत से बच्चों का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आज कौन सा कार्टून बनाएंगे। आपका हिंट है ये। जी हाँ, ये समोसा है। समोसा किसका फेवरेट खाना है? एक और हिंट देती हूँ, खुशबू। जी हाँ, समोसा मोटू का सबसे फेवरेट खाना है, उसके बिना उसके दिमाग की बत्ती ही नहीं चलती। तो चलिए आज हम मोटू का ही कार्टून कैरेक्टर बनाना सीखेंगे एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम टाइम पे मिलती रहे। जब भी कोई अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी ड्रॉइंग। हम अपने ड्राइंग की शुरुआत मोटू के आंखों से करेंगे। आंखों में जो ऊपर वाली आईलिड होती है वो थोड़ी फ्लैट रखेंगे, और नीचे वाली थोड़ी ज़्यादा कर्व होगी। बच्चों, मैं ये जो ड्राइंग है वो सिंपल एक मैकेनिकल पेंसिल से बना रही हूँ, कोई ड्राइंग पेंसिल यूज़ नहीं कर रही, और इरेज़र भी अप्सरा का मैक्नो इरेज़र है। इसके बदले आप कोई भी नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बनाएंगे मोटू की नाक। नाक को मैंने सिंपली सा ऊपर से कर्व लिया है और नीचे एक यू शेप में बना दिया है। और अब हम बनाएंगे इसकी मुस्कान। और अब हम इसकी आईबॉल्स बनाएंगे। आईबॉल्स में मैंने दो छोटे सर्कल्स भी छोड़ दिए हैं, ताकि वो एज अ फ्लैशलाइट दिखे। और अब बारी है मोटू की मूछें बनाने की। इसको मैंने हल्का सा कर्व लिया है यू शेप में, और उसी के ऊपर उसका छोटा सा यू शेप दोबारा बनाया है। अब मैं इसको शेड कर रही हूँ। अब बारी है मोटू की आईब्राउज बनाने की। मैं छोटे से सेमी सर्कल्स दो बनाए हैं आँखों के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा डिस्टेंस में बनाया है। और ये रहे मोटू के कान और उसके बाल। अब हम यहाँ से उसका नेक का हिस्सा बनाएंगे और आगे से चीक्स, जिससे कि इसका ये सारा फेस हम एक राउंड शेप, एक आलू के शेप का बनाएंगे। और अब शुरुआत करते हैं इसके हाथों की। और अब बनाएंगे इसके बाद दूसरा हाथ। ओह, ये तो बहुत लंबा हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसका हाथ ये कर्व में बनाऊंगी। और ये जो सर्कल बनाया है ये इसकी जैकेट का होगा, ये इसके जो ब्लैक कलर का मोटू जैकेट पहनता है वो है उसका बास्केट टाइप जो हम कहते हैं, तो उसका हाथ है ये। और ये अब हम इसकी बास्केट बनाएंगे, इसका कोट। और ये बन गया मोटू के जो कुर्ता है उसका नेक, और ये मोटू के गोल सा पेट, और उसका बाकी का शरीर। और अब हम बनाते हैं मोटू के दो पैर। इसका पैर ऊपर से मोटा और नीचे से थोड़ा पतला रखूँगी, जिससे कि जो कि हमारी जैसे थाइस होती है वो थोड़ी हैवी होती है, और नीचे के पैर थाइस से पतले होते हैं। और ये उसके जूते। अब मैं इसके जो भी आउटलाइंस है उसको एक बार ब्लैक कलर के स्केच से डार्क कर लूँगी, और इससे ये होगा कि हमारे पास एक ब्राइट और डार्क आउटलाइंस आ जाएगी, फिर जिससे हमें इसके अंदर कलर फिल करने में इजी रहेगा।
अब जो भी डार्क एरियाज हैं, जैसे कि इसकी आईब्राउज, इसकी मूछें और इसके बाल, ये सबको मैं ब्लैक मार्कर से ही डार्क कर दूंगी और हाईलाइट कर दूंगी। कलर से कलर करूंगी। कलरिंग के लिए मैं डोम्स के ऑयल पेस्टल्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि 50 शेड्स के आते हैं। और ये जो मैं कलरिंग कर रही हूँ वो थोड़ा गाढ़े हाथ से, मतलब हाथों में थोड़ा जोर लगा के कर रही हूँ, ताकि मेरे ड्राइंग में, कलरिंग में कोई भी पैच वर्क ना छूटे, कहीं पे भी ऐसा ना लगे कहीं से डार्क लग रहा है या कहीं से लाइट लग रहा है। तो एक ही शेड में उसमें कलरिंग करेंगे। और ये मैं एक ऑरेंज पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो भी हाइलाइट्स है, जैसे कि इसकी आईलिड्स या जहाँ जहाँ पे भी मुझे शेडो दिखाना है, वहाँ पे मैं ऑरेंज पेंसिल कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके उसके साथ ही में एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी और भी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहे। और अब मोटू के बास्केट की बारी है। इसका जो कोट है वो ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए मैं इसमें भी ब्लैक कलर से ही उसके कोट को कलर करूँगी। और अब मोटू का कोट भी कलर हो चुका है, तो अब आती है मोटू के कुर्ते की बारी। इसके लिए मैंने डार्क रेड यूज़ किया है, जो कि कार्टून में भी देखा गया है वो रेड कलर का कुर्ता पहनता है, तो मैं इसमें भी डार्क रेड यूज़ कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गाढ़े हाथ से इसको रंग भर रही हूँ, जिससे कि कोई पैच वर्क ना दिखे। तो पूरी ड्राइंग में मैं इसी तरीके से अपना हाथ का जो कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखूँगी, ताकि कहीं भी कोई पैच वर्क ना दिखे। और अब मोटू का कुर्ता भी कलर हो चुका है। अब हम इसकी पैंट में येलो कलर करेंगे। और अब आ रही है इसके जूतों की। जूतों के लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये रहा हमारी ड्राइंग का एक लुक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।